आखिर है? ग्राम खनाव है, पंचायत मनियारी है, यहाँ पर ब्रह्म जी का स्थान है, वहाँ पर नीब है उसी के स्थान में, उसमें से जैसे ताड़ी नुमा चू रहा है, वो दवा जैसे काम कर रहा है, आदि है, खांस से चल जा रहा है, उसमें जैसे गैस वैस बनता है वो भी खत्म हो जा रहा है ब्रह्म जी के नाम से। कितने दिनों से ये निकल रहा है? ये कम से कम एक महीना हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा उपेंद्र खरवार नाम है। खनाव गांव कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ब्रह्म जी का स्थान है, देव स्थान है। यहां पर जो है एक महीने से बहुत से लोग आए, बहुत से लोग इस अमृत की धारा बह रही है, इसको पीने के लिए बहुत लोग स्वास्थ्य से हो गए, जो अस्वस्थ थे वो स्वस्थ हो चुके हैं। ये धारा कलयुग में साक्षात है, ब्रह्म जी का देव स्थान शंकर जी का बगल में स्थान है, और यहाँ पर जो अमृत की धारा बह रही है, बहुत लोग आकर के पीते हैं और जो है पीना शुरू कर दिए हैं। हाँ, रोग भी ठीक हुआ है। कौन सा रोग ठीक हुआ है? रोग जैसे पेट में कब्ज बनाता है, गैस बनाता है, सर्दी जुखाम बुखार हो गया है, वो सब ठीक हो जाता है। तो ये कैसा लगता होगा, स्वाद आप कभी चखे? बहुत एकदम अमृत की तरह लग रहा है इसका स्वाद। ये ग्राम खनाव है और यहाँ जो है कि 10-15 रोज 20 रोज पहले से दूध निकल रहा है उसमें, पेड़ में से, और ये ब्रह्म जी का स्थान है, जो ब्रह्म जी मतलब आकाशीय बिजली से इनकी मौत हो गई, और जब इनकी मौत हुई तो इनके बच्चे मतलब नहीं थे, इनकी औरत मतलब की गर्भवती थी, और जो है कि ये भी आकर के यहीं मतलब कि जल करके मर गई, और तीनों लोग यहीं मतलब कि ब्रह्म स्थान से जाने जाते हैं, और ये दूध के मतलब कि पीने से कितने लोगों का रोग भी ठीक हुआ है, और बहुत सारे लोग आते जाते हैं इनको, तो बहुत हम लोग दैविक स्थान से जाने जाते हैं, बहुत दिन से जो हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं इनके यहाँ, यही तो यहाँ की घटना है। तो लोग क्या आसपास के भी लोग आ रहे हैं क्या? जी जी, अनलीगल गांव से भी आ रहे हैं, यही नहीं कि हमारे ही गांव से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कितने वर्ष वृक्ष है पुराना? ये 150-200 वर्ष पुराना है, 150-200 वर्ष पहले की बात है। ग्राम खनाव स्थान तालाब है, ब्रह्म जी का स्थान है, बगल में शंकर जी है, और नीब का पेड़ है, नीब के 15-10 रोज से ये निकल रहा है अपने आप, लगातार आदमी पूछते हैं। तो इसमें कितने दिनों से निकल रहा है? जो 20-25 दिन से हो गया। तो गांव के लोग क्या है इसको मानते हैं? आप तो मानते हैं, पीते हैं दवाई के रूप में, कोई ले आता है, कोई रख देता है शीशी में, बन पीता है कोई दवाई के रूप में।
बहुत पुरनिया रहलो ब्राह्मण तो उनके घर में कुछ वितराग लगा रहे वो निकल के चल गई ना जजमानी में अलाय उ रहल गाँव का एक ठकुराई रहल उहे गई ना उनका मनाउन करके जब ली अल तो रहल एक फेर तालाब पर ओजे उ बैठल आ कहल कि हे माई धरती आ हे आकाश का बिजली हमरे पर ऐसन गिरतू कि हम किसी का मुँह न देखती बस वही बिजली तड़पा आ ठकुराई पानी लेके जात रह जल नहीं पियल कुछ दूरे पर रहल आ जर के जर छाड़ हो गई न जब ओहिजा से गांव समाज जुटल तो लिया के पोखरा पर उनके धो दे जब धो दे तो उनका औरत बानी तो रोव धुनत गई तो कहनी कि हे लक्ष्मण जी जब हमार पुरुष होब तुम्हारे फुपती ले आग धंधकी आ हम ये जरछाड़ हो जाती तो जब वो जरछाड़ बहनी जब उनके फुपती में आग लग गई जब बड़े लगनी तो उनका पेट फट गया तो ओमा से एक बालक निकलो तो उनका घाना ब्रह्म नाम धरा लक्ष्मण ब्रह्म उस शमशीला माई वही दरी उ नीब का गाछी है बहुत पुरान वही में से ही फट के जैसे तालाब का पानी गिरेला वैसे हो दूध के समान पानी मीठा गिर रहल बा जिसका मन होके उआ के वो जल के उठा के अर्पण करे आ जिसका न मन करे तो कोई बढ़िया जुड़ी नहीं कैसा पुराना लगभग कम से कम 2 साल बेटा थोड़ा सा जा तो बीच में वही रहो ना।